है मेरे जिगर के टुकड़ों, एक नई उमंग के साथ, एक नई जोश में स्टेपिंग स्टोन चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं LCM SCF टॉपिक 5। टॉपिक 5 में पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 2472-156 का मसद ज्ञात, या इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बतावे जो 2472 तथा 156 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करती हो, अर्थात इसको भी काट रही हो, इसको भी काट रही, इसको भी काट रही हो, वह सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो दी गई संख्या को काट दे और वह सबसे बड़ी संख्या हो जो दी गई संख्या को काट दे, वह दी गई संख्या का मसा कहलाता है। चलिए पहले मसा निकालना सीखते हैं। तो मसा निकालने के लिए पहले छोटी संख्या से बीच वाली संख्या में भाग दीजिए, 2472, ये कट गया तो हमारा क्या मसा 3 आया? नहीं, हमारा मसा 24 आया। 24 और 72 का मसा अभी तक 24 आया है। फिर 24 से भाग देंगे 156 में, 24 छका 144 होता है, 144, 156 में से 144 घटाएंगे, 6 में से 4 गया, 2, 5 में से 4 गया, एक ही कट गया। जो शेष बचा उसको अब यहाँ पे घेरेंगे और यहाँ पे 24 उतारेंगे, 12 गुना 24 कट गया तो हमारा मौसा आ गया 12। मौसा कितना आया? 12। अब 12 जो है वह 24 को भी काट रही है, 72 को भी काट रही है, 156 को भी काट रही है, और यह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रही है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को काट दे, किसी एक को नहीं, तीनों को काट दे। हाँ, इससे छोटी होगी 2, 4, 3, लेकिन इस 6, लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दी गई संख्या को काट दे, अर्थात मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट दे। और लौसा में था कि लौसा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से कट जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। कैसे बनाते? 24 से काटते तो 24 से एक बेर में कट गया, 24 से ही तीन बेर में कट गया, 24 से 72, लेकिन 24 से 156 तो नहीं कट रहा है, तो क्या यह हमारा उत्तर होता? नहीं होता। 36 से 24 नहीं कट रहा है, ये उत्तर नहीं होता। 8 से 24 भी कट रहा है, 8 से 12, 72 भी कट रहा है 8 से, इसको देखते हैं। तो 8 से कटने का नियम बतलाए थे कि जब तीसरा अंक विषम हो तो अंतिम दो अंक में 4 जोड़ेंगे, तो 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 में 8 से भाग देने पर कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 8 भी उत्तर हमारा नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हो गया 12। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन ड्रमों में क्रमशः 518 लीटर, 814 लीटर तथा 1147 लीटर दूध है, वह सबसे बड़ा किस माप का डब्बा या मापक होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को अलग अलग पूर्णतः माप दे। अलग अलग कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इसमें से 4 लीटर बच गया और इसमें मिला दिए तब इससे भाग देंगे, ऐसा नहीं। इसको काट रही हो तो अलग काट रही हो, इसको काट रही तो अलग काट रही हो, इसको काट रही तो अलग काट रही हो। अभी अभी हम लोग उसमें सीखे हैं कि वह बड़ा से बड़ा जिस माप का डब्बा होगा वह तीनों का मौसा होगा जो दी गई संख्या को काट दे, दी गई संख्या को काट दे वह क्या कहलाता है? मौसा। तो तीनों का मौसा अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं तीनों का मौसा। तो क्या बोले थे कि सबसे छोटी संख्या से बीच वाली संख्या में पहले भाग दीजिए, एक बार में 518, 10, 4, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गया 2 बच गया, 7 में से 5 गया 2। अब इसको घेरेंगे 518 यहां उतारेंगे, दो बार में तो लगेगा नहीं, तो एक बार में 296, 8 में से 6 गया 2, 10, 10, 11 में से 9 गया 2, और ये कितना गया? 4 में से 2 गया 2, यही आएगा ना। अब इसको घेरेंगे और 296 उतारेंगे, 296 एक बार में लगेगा 222। देखिए करना क्या होता है मौसम में, यह ई लगाए 518 एक बार में तो घट के जो आएगा 10, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 1 गया 9,
चार में से आठ नहीं घटा तो इसमें इसमें से एक हासिल लेंगे ना, तो दस चार चौदह में से आठ गया छह, फिर इसमें से एक हासिल लेंगे तो दस, दस में से एक गया नौ, यहाँ पर बच गया सात, सात में से पांच गया दो। अब इसको घेरेंगे और जिससे पहले भाग दिए थे उसको यहां उतारेंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा दो सौ छियानवे, तो आठ में से छह गया दो, इसमें से एक हासिल लेंगे तो दस एक ग्यारह, ग्यारह में से नौ गया दो, यहां पर बच गया चार, चार में से दो गया दो। फिर अब इसको घेरेंगे, इससे पहले जिस संख्या से भाग दिए थे अर्थात इससे पहले जो भाजक था, इसको भाजक ही बोलते हैं ना, इससे पहले जो भाजक था उसमें फिर अब इससे हम भाग देंगे। तो एक बार में 222 लगा, छह में से दो गया चार, नौ में से दो गया सात, ये कट गया। अब 74 को घेरेंगे, कितना उतारेंगे 222, कितना बार में लग गया, तीन बार में तो ज्यादा हो जाएगा, सातिया इक्कीस, 210, चार ती बारह, 210 और बारह, 222, अच्छा तीन बार में पूरा पूरा कट जाएगा, चार ती बारह के दो हासिल, एक सत्य इक्कीस एक 22, ये कट गया। अभी तक हमारा मस आया है 74, अब क्या करना है, इस 74 से फिर हमको भाग देना है कितना में, 1147 में। तो एक बार में लगेगा 74, तो ये कट जीरो बच गया, 10 एक 11 में से 7 गया 4, 7 उतरेगा, इसमें कितना बार में लग रहा है, पांच बार में, 350 आप पांचों को 20, पांच बार में लग रहा है, तो पांचों को 20 के सुनना हासिल दो, सात बजे 35 और दो 37, ये सात बच गया, 10 में से 7 गया 3, ये कट गया। अब देखिए 37 को घेरेंगे और कितना उतारेंगे 74, तो 37 दूना 74 कट गया, तो इस तरह से हमारा मस आ गया, मस आ गया कितना 37। और 37 वह सबसे बड़ी संख्या है जो ये तीनों को काट देगी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट देगी। अब इस प्रश्न को फिर से समझते हैं, अगर 37 लीटर का अगर हम ऐसा डब्बा लेते हैं जिससे हम इसको मापेंगे तो ये कितना बार में मपा जाएगा, तो 37 से भाग देंगे इसमें, तो एक बार में 37 तो बच गया, एक बार 37 से भाग देंगे किसमें 518 में, तो एक बार में 37, 10 के 11 में से 7 गया 4, 4 में से 3 गया 1, आठ, तो चार बार में लग जाएगा 148, कट गया। तो कितना बार में, 14 बार में इसको माप सकते हैं। उसी तरह से इसको अलग टाइम्स में मापेंगे, इसको अलग बार में मापाएगा, लेकिन ये भी पूरा पूरा मापा जाएगा, मिलाना नहीं पड़ा ना, 37 से फिर इसमें भाग देंगे तो अलग बार में ना पाएगा, लेकिन यह पूरा पूरा मापा जाएगा, तो मिलाना नहीं पड़ा ना किसी को, यही बात यह प्रश्न में कह रहा था। अब इसको भाई ऑप्शन बनाते हैं, देखिए कह रहा है कि अलग अलग पूर्णतः माप देगा, मतलब काट देगा, तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन से इस संख्या सब कट रही होगी, तो 17 से इसमें भाग देते हैं, 17 तिया 51, कट गया बच गया 8, पूरा पूरा नहीं कटा, नहीं ना कटा, तो ये उत्तर नहीं होगा। 37 से भाग देते हैं तो 37 से तो कट ही रही है, 37 से भाग देंगे तो 37 से ही कट रहा है 14 बेर में, 37 दुना 74 तब बच जाएगा 7, 7 पर 4 74, तो फिर 37 दुना 74 22 बार में ई मपा जाएगा, ई मपाएगा कितना बेर में 37 से 37 तिया, तो 30 तिया 90 से तिया 21, 90 21 111, 37 तिया 111 तब बच जाएगा 3, 3 पर 7 37, तो एक बार में 31 बार में यह पूरा पूरा मपा जाएगा, इससे तीनों कट रही है तो हमारा उत्तर ही होगा। इससे भी देख लेते हैं 47 से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे 47 से, तो 51 में 47 से भाग दिए तो बच गया 4, 4 पर 8 48, तो 47 से नहीं कट रहा है। 57 से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे 57 से, तो कितना आ जाएगा, अच्छा 57 जो है 19 से कट रही है, तो 19 से अगर ये कट रही है तो इससे जो कट रही होगी वो भी 19 से कट जाएगी, तो 19 से देख लेते हैं, 19 दूना 38, तो कितना बच गया 38, तक 2 40, 2 1 3 13, 13 पर 8 यानी 138, 19 से 133 होता है, तो ये तो नहीं कट रहा है 19 से नहीं कट रहा है, तो 57 से कटने की सवाल ही नहीं है, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, पसंद आ रही हो तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, लोगों को बताएं,
आप ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं।